अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2019 का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च तक मंडी शहर के पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के आयोजन से संबंधित समिति की उपायुक्त कार्यालय सभागार में आम सभा की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में वर्ष 2018 में आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के दौरान ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव 2018 के लिए लगभग 2,81,00,000 रुपए आय के रूप में प्राप्त हुए हैं तथा विभिन्न गतिविधियों पर लगभग 2,86,00,000 रुपए व्यय हुए हैं। उन्हें बताया कि 2019 में आयोजित किए जाने वाले शिवरात्रि महोत्सव की पहली जलेब 5 मार्च, दूसरी जलेब 8 मार्च तथा अंतिम जलेब 11 मार्च 2019 को निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के लिए जिला के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाएगा तथा उनके साथ आए देवालुओं के ठहरने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव से संबंधित स्मारिका प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे स्मारिका के लिए लेख इत्यादि प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी ताकि सरकार द्वारा विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंकें, इसके लिए समुचित मात्रा में कूड़ेदान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव को पर्यटन से जोड़ने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए योजना बनाकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि देश के पर्यटकों सहित विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी उचित ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे मेले के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने लोगों से अपने नवीन विचार भी प्रशासन के ध्यान में लाने को कहा ताकि मेले को अधिक आकर्षक तथा सुनियोजित तरीके से मनाया जा सके। बैठक में नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर, पार्षदगण, अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी राजीव कुमार, सहायक आयुक्त राज ठाकुर सहित सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। पटेल मैदान में 2019 में किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई दूसरा अल्टरनेटिव ग्राउंड जो है वो हमारे इतना तैयार नहीं हो पाया है। तो जैसे हर साल की भांति मनाया जाता है, इसी तरीके से 2019 में भी पटेल में मनाया जाएगा। एक जो हमारा संस्कृति सदन है, जो देवी देवता आते हैं उनके साथ जो श्रद्धालु आते हैं उनको ठहरने के लिए जो बनाया जा रहा है, जो कांगनी धार में उसका काम जोरों शोरों से चला हुआ है और हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो शिवरात्रि तक तैयार हो जाए ताकि देवी देवताओं को वहां पर ठहराया जा सके, उसमें उसका उपयोग में लाया जा सके। ये टारगेट हमने PWD डिपार्टमेंट को दिया है। मुझे पूरी आशा है कि उस समय तक ये भवन तैयार हो जाएगा और देवी देवताओं के लिए अच्छी सुविधा वहाँ पर, देवी देवताओं के साथ जितने भी कारदार आए हैं, कितने भी देवलू आए हैं, उनके लिए सुविधा प्राप्त हो पाएगी।